प्रेज द लॉर्ड। अपने सभी सुनने वालों को मैं आज एक बाइबल के जरिए शॉर्ट शेयरिंग और शॉर्ट एग्जोटेशन मैं करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से इस महामारी के समय में, इस लॉकडाउन के समय में बहुत से चीज़ को लेके हम निराश हो सकते हैं, कदास हो सकते हैं। रोज़मर्रा जीवन में बहुत कुछ असर हुआ है यकीनन, लेकिन इन सारे परिस्थिति से भी हमें उभर के आना होगा। एक मनुष्य हमेशा अपने आप को साबित करना ज़रूरी होता है। हम परमेश्वर में सब कुछ ओवरकम कर सकते हैं। उस विश्वास के साथ में, उस एनकरेजमेंट के साथ में मैं छोटा सा यहाँ पर एनकरेजिंग करना चाहता हूँ बाइबल वचन के माध्यम से। आइए हम लोग सब मिलके बाइबल को देखते हैं। जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 27 को इसको मैं शेयरिंग करना पसंद करूँगा। आज हम लोग मिलके इसको जानने के लिए और परमेश्वर के ये वचन को दिल में, जीवन में लेने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। वचन यहाँ में लिखा है, फीस आई लिव विद यू, माई फीस आई गिव यू, आई डू नॉट गिव यू एज द वर्ल्ड गिव्स, डू नॉट लेट योर हार्ट बी ट्रबल एंड डू नॉट बी अफ्रेड। मैं शांति को आप लोगों के बीच में छोड़ रहा हूँ, मैं अपना शांति मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि इस दुनिया के लोग देते हैं ऐसा नहीं, बल्कि मैं अपना शांति को मैं दे रहा हूँ। इसीलिए आप किसी चीज़ को लेकर आपके हृदय में एक चिंतित ना हो, दुखित ना हो, और ना ही किसी चीज़ को लेकर आप घबराए, आप ना डरे और ना ही चिंतित हो। ये प्रभु की वाणी है, ये यीशु मसीह की वो वाणी है जो आपके लिए है, वो हमारे लिए है। यहाँ में प्रभु का वचन यीशु मसीह हमें ये बताती है कि उसने शांति को हम लोगों के लिए दे के रखा है। वो जो शांति जो है खुद यीशु मसीह का शांति, वो पवित्र आत्मा का फल, वो पवित्र आत्मा की वरदान जो एक तोहफा का रूप में हमें दे के रखा है, वो पवित्र आत्मा की शांति है, वो यीशु की शांति है। तो उसको हमें जो है दे के रखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि आप किसी चीज़ को लेके चिंता ना करें और ना ही कोई चीज़ को लेके आप घबराएं। ये उन दिन की बात थी जब उनके चेला लोग भी यही प्रभु यीशु मसीह को सवाल किया कि आपके जाने के बाद हम लोगों का क्या होगा, कौन हम लोगों को देख रेख करेगा, हम लोगों का भविष्य क्या होगा, हम लोगों का रहन सहन कैसा होगा, कौन हम लोगों को बचाएगा, कौन हम लोगों को चलाएगा। इस प्रकार से बहुत से सोच से जो है घेरा हुआ था। तब यीशु मसीह ने ये बात को बोला, वो पवित्र आत्मा की वो वरदान, पवित्र आत्मा वो जो लोगों को सच्चाई को बताती है, चलाती है, परमेश्वर खुदा के बारे में वो बताती है, वो शांति जो है हम लोगों के बीच में रहेगा। इसीलिए किसी चीज़ को लेके हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो शांति मनुष्य के जीवन में तब अनुभव होता है जब हम अपने पापों से हम क्षमा पाते हैं परमेश्वर का आगे, और हम यीशु मसीह के जरिए जब हम पापों से क्षमा पा के स्वर्ग पिता के साथ में हम लोग रिकॉन्साइल हो जाते हैं, फिर से एक मिलन हो जाते हैं, उस अनुभव का ये एक शांति को दर्शाते हैं। वो अंदरूनी हिस्सा से जो है वो शांति उभर के आता है। एक मनुष्य के जीवन में एक अंदरूनी शांति को अनुभव करना, एक जीवन में समापन को, अपना जीवन में पापों से क्षमा को जो है अनुभव करना बहुत ही आवश्यकता है। वो चीज़ को यहाँ पर दर्शाते हैं। और इस शांति का फीस के बारे में हम लोग जब बात करता है तो हमें बुक ऑफ गैलेटियन चैप्टर 5 वर्सेस 22 एंड 23, जहाँ में 9 फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में वहाँ में जब जिक्र होता है, तब हमें मालूम होता है कि ये एक पवित्र आत्मा की फल है, ये पवित्र आत्मा की वरदान है, ये यीशु मसीह की वरदान है, ये यीशु मसीह की शांति है। इसको हम लोग वहाँ पर अनुभव करते हैं। और बाइबल हमें ये भी बताता है कि हम किसी चीज़ को लेके ना घबराए, हम किसी चीज़ को लेके ना डरे। आइए हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं। 2 तिमोथी 1:7 में लिखा है, फॉर गॉड डिड नॉट गिव अस ए स्पिरिट ऑफ फियर, परमेश्वर ने हम लोगों को भय की आत्मा, डर की आत्मा को नहीं दिया है, बट ऑफ पावर, एक शक्ति को दिया है जिसे हम जो है डर के
विश्वास के साथ में, उस लगन के साथ में, परमेश्वर के वचन के साथ में हम लोग दत्त के जो है हर वो फोर्स को, हर वो डार्क प्रिंसिपलिटीज, जो एक सैतानिक वो ताकत है जो इस जगत में जो है फैलाता है, वो सब चीज को जो है हम लोग एक दत्त के मुकाबला कर सकता है। हालात को, परिस्थिति को, जो भी हम लोगों का खिलाफ में है, उसे जो है हम लोग दत्त के मुकाबला करने का वो शक्ति को, वो सामर्थ को हम लोगों को दिया है। एंड द लव एंड सेल्फ कंट्रोल, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा को नहीं दिया, उसने हमें सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया है, ताकि हर परिस्थिति को हम लड़ सके, शैतान को वो सारे चाल को जो है हम लोग नाकाम कर सके। और साथ में हमें प्यार दिया है, परमेश्वर का प्यार को लोगों को बताने का, दिखाने का, और प्यार से दुनिया को जीतने का। और उसके साथ में अनुशासन, यानी कि एक अनुशासन जीवन, जिसके जरिए हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, अपना रहन सहन, अपना हर चीज, वो वातावरण को हम लोग सुंदर बना सकता है। ऐसा वरदान जो है परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। इसलिए बाइबल हमें बार बार यही बताता है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ने हम लोगों को अपना लहू, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने लहू से हम लोगों को खरीदा है, और उसने अपना जीवन दे के हम लोगों को बचाया है। इसलिए उसके पास में वो सामर्थ, वो शक्ति, सब कुछ है जो हमें दे सकता है। खास तौर से मनुष्य के जीवन में उनके सारथी का, शांति का वरदान जो है सबसे बड़ी है। जीवन में एक शांति होना बहुत आवश्यकता है। एक शांति के जरिए हम लोग हर चीज़ को काबू में कर सकते हैं। वचन और भी आगे हम लोगों को यही एनकरेजिंग करता है, हमें किसी चीज़ को चिंता करके करने के बजाय हम परमेश्वर के आगे आना है, परमेश्वर को हम लोग इबादत करना है, परमेश्वर को सब कुछ जो है अपने प्रयास को जानने देना है। प्रभु यही हम लोगों को बताया है। बुक ऑफ फिलिपियन चैप्टर 4:6-7 को हम पढ़ने से कुछ इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर बताया गया है। In nothing be anxious, but in everything by prayer and petition with thanksgiving let your requests be made known to God. जो भी आप प्रस्ताव रखा है, प्रयाद करते हो, उसे परमेश्वर को दे, परमेश्वर को जानने दे। धन्यवाद हृदय के साथ में आप प्रार्थना करें और प्रयाद करें, परमेश्वर को जानने दे, परमेश्वर को प्रस्ताव रखें। किसी चीज को लेके आप चिंतित ना हो। जब हम ऐसे करते हैं तब 7 में कहती है यहाँ पर, एंड द पीस ऑफ गॉड व्हिच इज डीपर देन ऑल नॉलेज विल कीप योर हार्ट्स एंड माइंड्स इन क्राइस्ट जीसस। जब आप ऐसे करते हो, किसी चीज को आप चिंता करना छोड़ देते हो, आप परमेश्वर को भरोसा करना शुरू कर देते हो, परमेश्वर को प्रयास करना और अपने जो है प्रयास को, अपने जो प्रार्थना है, अपने जो भी प्रयास है, उसको जब परमेश्वर को नो दे देते हो, परमेश्वर को जानने देते हो, अगर ऐसा होता है होने से, अगर हम जब ऐसा शुरू करते हैं, तो परमेश्वर को वो शांति सारे ज्ञान से बहुत गहरा है, दुनिया के वो सारे ज्ञान से, हमारे सोच से कई गुना वो बड़ा है। ऐसा वो शांति जो है हम लोगों के हृदय को, हम लोगों के दिमाग को वो जो है संभालेगा, राज करेगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हमारे हृदय, हमारे सोच को वो चलाएंगे। यही परमेश्वर की वचन है। आज एक कठिन दौर में हम लोग जरूर गुजर रहा होगा, लेकिन निराश ना हो, परमेश्वर में हमेशा विश्वास बना रहिए। परमेश्वर हमेशा हम लोगों को प्यार करता है।